तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सलोनी आपा, सम्राट भाई लक्ष्य चौधरी और समीर मार्क वर्सेस एलवी यादव कंट्रोवर्सी के बारे में। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एलवी यादव और समीर मार्क की कंट्रोवर्सी के बारे में। स्पेशली मैंने इस पर 3 वीडियो बना चुका हूँ, जिसने अभी तक नहीं देखा वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो गाइस, एलवी यादव ने कहा था कि ये वो समीर मार्क पर एक रोस्ट वीडियो लाने वाले हैं। तो गाइस, एलवी यादव ने वो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जिसने अभी तक नहीं देखा वो जाके देख सकते हैं, मैं लिंक इन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो इस वीडियो में वो अपनी और समीर मार्क की कंट्रोवर्सी के बारे में बात करिए, तो मैं आपको उस वीडियो में से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप दिखाता हूँ। भाई की मैं एक हिपोक्रेसी दिखाना चाहूंगा। वैसे हिपोक्रेसी तो क्या है, ये भाई का ना नेचर है। सुनना भाई, यार स्टोरी में डालता है हेट नहीं फैलाते, हेट नहीं फैलाते, पीस फैलाते, ये करते हैं। अगली स्टोरी में फिर कोई को टेलीविजन आता, कोई को टेलीविजन उंगल करनी चालू कर दी। इसके मेरे दोस्त आ गए फालतू पंडित के साथ, बार बार अपने मुंह से नाम ले रहा हूँ मैं, दिल जान से मेरे मुंह में थूक खत्म होगा, मैं थूक दूंगा साइड में जाकर। भाई इतने बेकार इसके दोस्त हैं, इसके कमेंट कर रहे लैंड भी ज्यादा से अगर बंद करो। अरे तुम चौथी क्लास में हो क्या, कुछ अच्छे से जोक मार लो, साढ़े हमें भी हंसी आ जाए। पर नहीं, लैंड भी ज्यादा ये कर देंगे वो कर देंगे, कूड़ा उठा रहा, कचरा उठा रहा, मुंह से मांग रहा। भैया मैं किसी को उंगलबाजी नहीं करता, इस बार तो मैंने अंगूठा कर दिया वो अलग बात है, पर मैं किसी को पहले स्टोरी में छेड़खानी नहीं करता। मेरा काम है रोस्ट करना, मैं रोस्ट करता हूं। अगर तुम्हें दिक्कत है तुम्हारा वेरीफाइड अकाउंट है, बेशक तुम्हारे नकली फॉलोवर है जो भी है तुम्हारे, मेरे मैसेज कर देते कि एलविस भाई मेरे को मेरा पार्ट पसंद नहीं आया, मैं ट्रिगर हो गया, मैं ऑफेंड हो गया, प्लीज मेरा पार्ट ट्रिम कर दो या फिर ये वीडियो हटा दो। भैया वीडियो हट जाती पूरी एक सेकंड के साथ, या फिर एक काम करते ये स्टोरी का बखेड़ा ना करते, सीधा पता क्या कर देते मेरे ऊपर एफआईआर ढोल देते सीधी, पट लो भाई अलीश भाई तुम्हारे मेरे ऊपर वीडियो बनाई, ये लो एफआईआर, ये लो खत्म। बस एलवी यादव की वीडियो आने के बाद भी सभी कुमार ने कुछ स्टोरी लगाई, देखिए आप स्टोरी क्या लगाए। लाइव आऊंगा जल्द ही, ना अच्छा लगा भाई, ना इस बार गाली ना बाकी। तो गाइस, जो समीर मार्क लाइव आई था उसमें से आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप दिखाता हूँ। तो जैसे कि मैंने भाई एलविश भाई की वीडियो देखा, मैंने तो एलविश भाई का अच्छा लगा कि एलविश भाई ने गाली नहीं दिया। तो कैसा होता है ना, लीगल केस जब होता है ना तो अच्छे अच्छे गाली देना भूल जाते हैं। और दूसरी चीज़, मैं वीडियो नहीं डालने वाला था, बट जैसे एलविश भाई ने कट कट करके वीडियो डाला ना, तो मैं भी कट कट करके वीडियो डालूंगा। और मैं वीडियो डालूंगा उसमें सिर्फ ये बताऊंगा कि मैंने वीडियो क्यों भड़का और मैं स्टोरीज क्यों डाला, मैं रीज़न क्या था मेरा भड़कने का। एलविश भाई अच्छा लगा मुझे कि आपने गाली नहीं दी है, टेंशन मत लो, मैं भी कुछ उल्टा नहीं बोलूंगा, वेट करो मेरे वीडियोस का। मैं सोचा था अच्छा मैं इग्नोर कर दूंगा, बट भाई ने अपने आप को बहुत अच्छा किया और मुझे डाउन किया, तो मैं भी अपने आप को बहुत अच्छा करूंगा। और भाई तुम जो बोले हो ना कि 1,00,000 दूंगा सबूत ला दो, तो भाई मेरे पास इतने सबूत है ना, मैं ला दूंगा ना तुमको, पूरे इंस्टाग्राम वालों को सबको 1,00,000 रुपये देना पड़ जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं करूंगा मैं, टेंशन मत लो। और भाई ऐसे नहीं, रूटीन करो, मजाक उड़ाओ, लेकिन गाली मत दो, किसी को नीचे मत करो। मजाक में मजाक करना और किसी को नीचे करने में बहुत फर्क होता है। और ये जितने भी उनके जो फॉलोअर्स हैं जो मतलब गालियाँ दे रहे हैं, तो मैं उनको बोलूँगा ये सब गालियाँ देना बंद करो, मेरे भी फॉलोअर्स दे सकते तुमको, बट वो ऐसे है ही नहीं कि वो गालियाँ देंगे। तो गाइस, लगता है हम इस कॉन्ट्रोवर्सी का एंड देखने को मिल सकता है। अगर गाइस समीर मार्क अपना वीडियो लेके आते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगा, तो आप इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो अभी यार। तो गाइस हम बात करते हैं सलोनी आपा वर्सेस सम्राट भाई वर्सेस लक्ष्य चौधरी के बारे में। तो सम्राट भाई ने कुछ दिनों पहले सलोनी आपा को रोस्ट करते हुए वीडियो बनाया, तो गाइस सलोनी आपा पे काफ़ी रोस्ट हो रहे थे, जिसका रिप्लाई देते हुए सलोनी आपा ने एक वीडियो बनाया। तो गाइस उस वीडियो में से कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप देख लेते हैं, आइए गाइस। तुम लोगों का लॉजिकल रोस्ट इस टाइप का होता है कि तुम्हारी ऑडियंस भी उतनी ही टॉक्सिक हो गई है जितना तुम उनके दिमाग में भर रहे हो, वो जाके गाली देती है क्रिएटर्स को। तुम अभी कुछ टाइम बाद बोल दोगे कि अरे हमने भी मजाक में वीडियो बनाया था, लेकिन जिसके ऊपर भाई गुजर रही है ना वो समझता है। पर इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट क्यों खेलना, इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट मैंने नहीं खेला है। जब मेरे 100 के सब्सक्राइबर्स थे तब भी 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज गए हैं, लेकिन तब आप लोगों ने मेरा नाम लेकर रोस्ट क्यों नहीं किया, ताकि अच्छा इसको हम नाम लेंगे तो पुश मिल जाएगा, या फिर आपने ये नहीं सोचा कि आगे चल के ये इतना भी ग्रो कर सकती है। क्यों नहीं नाम लिया सम्राट लक्ष्य और इनके बाकी चेलों ने, तब क्यों नहीं रोस्ट किया, तब से ही करना था ना बेटा। जितना अननेसेसरी हेट तुम लोगों ने मेरे को दिया ना, उतना ही हेट अगर तुम्हें मिल जाए तो गांड से ही ढक दोगे, समझे। एक साथ एक लड़की पे तुम लोग 27 रोस्ट वीडियोस बनाते हो, तुम सबको एक साथ ही याद आ रहा है या फिर डिसाइड करके प्लान करके ये सब कर रहे हो क्या, समझे। हेट देने के लिए भी जो इनके ऑडियंस मेरे चैनल पे आ रही है ना, उनके वजह से मेरे चैनल का ग्रोथ होना चाहिए, ज्यादा लोग मेरे चैनल को विजिट कर रहे हैं, लेकिन मेरे वीडियोस उल्टा व्यूज गिरते जा रहे हैं। क्यों? फेक रिपोर्ट्स की वजह से, इनके रिपोर्ट्स की वजह से यूट्यूब सोच रहा है कि ये वीडियो अच्छा नहीं हो सकता सामने वाले के लिए, तो वो प्रमोट ही नहीं कर रहा है उस वीडियो को। मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, मैंने मेरे सेकंड चैनल जो नया चैनल है उस पर भी मैंने ऐसा टाइप का एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सबके नाम नहीं लिए थे, मैंने सोचा था ठीक है बात को आगे भी बढ़ाते, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिख भी दिया था कि मैं इसके आगे
कोई भी ऐसे नेगेटिव चीज को एंटरटेन नहीं करने वाली हूँ, लेकिन मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ा क्योंकि मेरे नाम पे व्यूज ले जाने से अच्छा है मेरे मुंह से ही अपना नाम सुन लो और सेकंड पार्ट भी बना दो। ताकि सक्सेसफुली आप लोगों ने मेरे चैनल के व्यूज कम कर दिए हैं, सक्सेसफुली मेरे को एक दो महीने से मेंटली डिस्टर्ब कर दिया है। आज लक्ष्य एक पूरा वीडियो बना रहा है मेरे ऊपर, आज लोग वापस मेरे चैनल पे आके गाली लिख के जाएंगे। तो बस सलोनी आपा के वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ देर बाद ही लक्ष्य चौधरी ने भी वीडियो अपलोड करा था जिसमें सलोनी आपा के बारे में उन्होंने बात करी। तो जिसने वीडियो नहीं देखा तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो बस लक्ष्य चौधरी ने भी सलोनी आपा का वीडियो का रिप्लाई देते हुए भी कुछ स्टोरी लगाई है, तो आइए उस स्टोरी को देखते हैं। तो ये मेरा दोस्त है हर्ष डाका और इसके पापा स्टील प्लांट में बहुत खतरनाक जॉब करे हैं, तो वो जॉब छुड़वाने के लिए हमें से इंडिपेंडेंट करना पड़ेगा और उसके लिए रोस्टिंग चैनल खोला और उस पे गालियां बके करेगा। तुम्हें बस इसे जाके सपोर्ट करना है, ठीक। हेलो पापा, हाँ आज ऑफिस मत जाना पापा, 30,000 व्यूज आ गए वीडियो पे। यो ब्रो, सुबह से यार तबीयत भी खराब है, घूम घूम भी रहे थे, अब जाके टाइम मिला तो। हाँ, एक चीज बोलनी थी कि देखो यार, अपना काम है लोगों की जिंदगी में थोड़ी वैल्यू ऐड करना है, एंटरटेन करना, ठीक है। मैं इसीलिए ज्यादातर हर किसी पे सिर्फ एक ही वीडियो बनाता हूँ, उसके बाद नहीं बनाता, क्योंकि होशियार को एक बार समझाना काफी है और चूतिए को तुम कितनी बार भी समझा लो उसकी समझ में नहीं आएगा। आमिर सिद्दीकी को मैं आज तक रिग्रेट करता हूँ, हमने इतना कुछ बोला था, बार बार बोला था, इसलिए मैं बार बार किसी को हिट करता ही नहीं हूँ, ठीक है। रही बात किसी को मैं गाली वाली नहीं बकती, मैं छोड़ी रखी है भाई ये सब करना और किसी को जाके कि इसके चैनल पे जाके गाली बको या उसको रिपोर्ट करो। और पहली बात ये रिपोर्ट वाले जो लॉजिक है ना कि रिपोर्ट करने से चैनल की रीच डेड होती है, चूतियापंथी के लॉजिक है, ऐसा कुछ नहीं होता। और मैं सम्राट से भी भाई ऐसी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करूँगा कि वो भी इस चीज़ को आगे ना बढ़ाए और अपना कुछ और नया कॉन्टेंट सोचे, क्योंकि अगर किसी को नहीं समझना तो ठीक है, हिंदुस्तानी भाव की वजह से एक नई पॉलिसी आई थी, इनकी वजह से एक और नई यूट्यूब पॉलिसी जाएगी और यही भुगतेंगे जो क्रिएटिव नहीं है। और हाँ, कुछ रिप्लाई उस रिप्लाई वीडियो के कुछ लॉजिक मैं नाम नहीं लूंगा यार, क्योंकि मेरे को कुछ बड़े बड़े क्रिएटर फॉलो करते हैं, मैं उनके सामने उसको इतनी वैल्यू नहीं दूंगा। लेकिन उसकी रिप्लाई वीडियो में कि मैं यंग हूँ, 18 की हूँ, 16 की हूँ, चलो 18 की है, मैं 21 का हूँ, तो 3 साल में ऐसी क्या मैच्योरिटी आ जाती है कि मेरे से लोग मैच्योरिटी एक्सपेक्ट करते हैं और वो यंग है, वो सीख लेंगे, वो ठीक है, चलो तुम मेरे साथ ही उम्र के होंगे, अगर तुम 18 के हो गए तो मेरे साथ ही उम्र के होंगे, तुम शायद और 18 साल में सीखो। और दूसरी चीज़ पापा वाला लॉजिक, मैं हर किसी की फैमिली को रिस्पेक्ट करता हूँ और वैसे आपसे इनडायरेक्ट आपके पंचे समझ में आते नहीं होंगे, लेकिन वो पापा स्टील फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ पे जॉब बहुत रिस्की है और इसीलिए हम इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, इसलिए हम रोस्ट करके दूसरों को इतना बिलो द बेल्ट गालियाँ देते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है। मेरे खानदान की 20 साल से आयरन स्टील प्लांट की कास्टिंग की फैक्ट्री है, चाहो तो मैं पोस्ट कर दूंगा प्रूफ के लिए विजिटिंग कार्ड, और तुम देख सकते हो मुझे फंडा कर आयरन स्टील कास्टिंग की कितनी इंडस्ट्री है, और ऑलरेडी मैंने फटती देखी है फंडे, जैसा कुछ नहीं होता कि लोग मर जाते हैं, और शायद ठीक है चलो जिसका जो भी लॉजिक है, लेकिन मैं भी बोल सकता हूँ मेरे तो खानदान की 20 साल से फंडेंस की फैक्ट्री यार, पापा को घर पे बिठाना इसलिए 2 साल के बच्चों को गाली बक रहा हूँ यार, ये कोई लॉजिक नहीं यार। YouTube खुद बोलता है आप अपने क्रिएटिविटी और पैशन के लिए आते हो, और अगर आप उसको ये सोच रहे हो कि आप हमेशा के लिए यहाँ पे एज अ जॉब और इसको पैसे कमाने के लिए यूज कर सकते हो, तो भाई तुम्हारी गलत फहमी है वो, ठीक है, वो तुम्हारी दिक्कत है। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं, मेक श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर इसी के रिगार्डिंग कुछ कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में कुछ भी अपडेट देते हैं आपको जरूर बताऊंगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, गुड बाय। We'll be right back.